आज हम बनाएंगे एक बहुत ही फेमस इंडो चाइनीज क्विजीन रेसिपी। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर चिली की बहुत ही सिंपल रेसिपी। इतनी बढ़िया बनती है, जैसे कि आप देख सकते हो कितनी दिखने में ये बढ़िया है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनी है। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है और खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। तो चलिए बिना किसी वेट के हम देख लेते हैं इसकी रेसिपी। तो पनीर चिली बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लेना है यहाँ पर फ्रेश पनीर। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है और अब हमें इन्हें लंबे लंबे क्यूब्स में ऐसे काट लेना है। तो यहाँ पर मर्ज़ी आपकी है, आप चाहो वैसा शेप आप इसे दे सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने उसका शेप भी बिल्कुल उसी तरह से काट लिया है। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें बढ़िया से पनीर को ऐसे काट लेना है और अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर। तो यहाँ पर एक बॉल में आपको ले लेना है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। इसमें हमने डालनी है आधी चम्मच लाल मिर्च की पाउडर, इससे कलर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। 1/4 कप इसमें हम डालेंगे पानी और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक पतली सी स्लरी बना लेनी है, तो इसे हमें कंटिन्यूसली अच्छे से स्टर करना है। तो कॉर्नफ्लोर थोड़ा स्टिकी होता है, तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से आपको स्टर कर लेना है। और ये देखिए एक लंप फ्री सा बिल्कुल हल्का सा एक बैटर बन करके तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरह से आपको एक रनिंग स्लरी यहाँ पर बना लेनी है। और अभी जो हमने पनीर के क्यूब्स काट के रखे हैं वो हमें इसके अंदर ऐसे डिप करने हैं और हमें इसे तल लेना है। तो यहाँ पर आपको एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेना है और इन पनीर को अच्छी तरह से उसमें डिप करके इसमें तल लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे पनीर इसमें छोड़ दिए हैं, तेल काफ़ी गर्म है। एक बार जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आपको गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रख लेनी है और सारे पनीर को आपको अच्छी तरह से बैटर में कोट करके और इस तरह से इसमें तल लेना है। आप इसे एयर फ्रायर में भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ इसीलिए मैंने इसे डीप फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए बिल्कुल 2 से 3 मिनट इसे एक तरफ से अच्छे से हम सिकने देंगे और फिर हमें ऐसे इसे टर्न करना है। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी ये कितना क्रिस्पी हो गया है। तो बस हमें इसे बिल्कुल गोल्डन होने तक का अच्छे से तल लेना है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर सारे पनीर मुझे तलने के लिए 4 से 5 मिनट लग गए। ये बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही मैंने तल लिए हैं। आप देख सकते हो कितना बढ़िया इसका कलर आया है। जो हमने लाल मिर्च का थोड़ा पाउडर डाला था ना, उस वजह से भी ये कलर थोड़ा सा रेडिश आता है। और बस सारे पनीर को हम तल के साइड में रख लेते हैं और अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में ले लेना है हमें थोड़ा सा तेल, उसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च से थोड़ा स्पाइसी आ जाएगा टेस्ट, तो मज़ा आएगा। इसमें हम डालेंगे ढेर सारा लहसुन और अदरक की पेस्ट और हाई फ्लेम पे हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पर फ्लेम थोड़ी सी हाई ही हमें रखनी है, जिससे थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आएगा तो ये और अच्छा लगेगा। लच्छेदार इस पर प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च और इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी। अब यहाँ पर हमें क्वांटिटी ऐसी एज कुछ लेनी नहीं है, ये मर्ज़ी आपकी है। आप जितना ज़्यादा इसका मसाला खाना पसंद करते हो उतनी क्वांटिटी में आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। तो बस सारी सब्जियाँ इसमें डाल ली है हमने और अब हम इसे हाई फ्लेम पे बस 1.5 से 1 मिनट के लिए हमें इसे पका लेना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें इसे बिल्कुल सौगी नहीं होने देना है, हल्का सा क्रंच होना चाहिए सब्जियों में। आधा चम्मच इसमें नमक डालने के बाद एक और बार हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। आप देख सकते हो सब्जियां बिल्कुल भी यहाँ पर हमने सॉफ्ट नहीं की है, इसे बस हमें 50-40% ही हमें इसे कुक कर लेना है। और इस स्टेप पे अब इसमें हम डाल देंगे सारे सॉसेस। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1.5 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस। अब इसके अंदर हमें डालना है 1 से 1.5 चम्मच डार्क सोया सॉस
और 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे टमेटो केचप। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिरी का पाउडर। और अब इन सबको हमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेना है। अब यहाँ पर हमें इसे बहुत देर कुक नहीं करना है, और यहाँ पर आपको नमक का बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि जब हमने पनीर की जो स्लरी बनाई थी कॉर्नफ्लावर की, उसके अंदर भी हमने नमक डाला था। सारे सॉसेस में भी नमक होता है, इसीलिए मेक श्योर कीजिएगा कि नमक आप बिल्कुल आराम आराम से डालें। अब इसके अंदर हमें डाल लेनी है कॉर्नफ्लावर की थोड़ी सी स्लरी। तो आप 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लीजिए, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे और उस स्लरी को हमें इस मसाले में डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर आप चाहते हो कि पनीर चिली बिल्कुल ही ड्राई हो तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली इसमें पनीर डालकर आप फ्राई कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ी सी गीली बनाएंगे हम, तो ये थोड़ी जूसी बनेगी और खाने में ये टेस्टी लगेगी। तो ये मुझे थोड़ी ड्राई लग रही है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रेगुलर पानी और बस इसे हाई फ्लेम पे हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो ये बिल्कुल बढ़िया से बन करके तैयार हो गई है। अब इस स्टेप के अंदर हमें इसमें डाल लेने हैं तले हुए पनीर। तो पनीर बहुत ही क्रंची है और ये जो मसाला है ये बिल्कुल जूसी है। अब यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और बंद फ्लेम में ही इसे मिलाएंगे और कुछ देर के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ऊपर से जो पनीर है ये बहुत ही क्रंची लगेगा और ये जो सारा जायका है सॉसेस का, ये बहुत ही बढ़िया से कंबाइन हो जाएगा और ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। और बस हमारी पनीर चिली बन करके तैयार है, बहुत ही बढ़िया लगती है। ज़रूर बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। चलिए हम फटाफट से इसे सर्व कर देते हैं। और आप देख सकते हो इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया है। मेरे घर में तो ये सभी की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आप भी इसे बनाइए और मुझे ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको जो कोई भी रेसिपी देखने का मन होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि वो रेसिपी मैं जल्द से जल्द आपके सामने लेकर आऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।